गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट ब्यूटी एंड मेहंदी। कैसे हो आप सब गाइज? आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओलिविया पैनकेक के बारे में। ओलिविया पैनकेक गाइज फाउंडेशन है और ये कंसीलर भी है, और दोनों को कॉम्बिनेशन को मिक्स कर जो है ये एक ओलिविया का जो पैनकेक है वो बनाया गया है। इसमें फाउंडेशन और कंसीलर दोनों का कॉम्बिनेशन है गाइज। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें ना ही फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें कंसीलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। 2-in-1 है ये, और इसको ये जो है वाटरप्रूफ है बहुत। इसके साथ बहुत अच्छा वाला बेस बनता है, वो तो लगाकर ही इसको ट्राई करके ही पता लगेगा कि कैसे इसका बेस बना है, बेस अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। और गाइज ये क्लेम करते हैं कि इसके साथ जो हमारा मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ होता है, स्पेशली ये समर में यूज़ होता है, और विंटर वगैरह में भी, स्प्रिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस। तो हम बात करते हैं ओलिविया का जो है ये पैनकेक, इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत ठीक है, अच्छी है, और जो इसके अंदर है ये ऐसे आता है, और यहाँ पर एक स्पंज मिल जाता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी ओके ओके है, और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक प्लास्टिक का ये मिरर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो मेरा पैनकेक है ये 23 नंबर है, इसका शेड नंबर 23 है। ये मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है, और मैंने ये इसी के साथ ही ये जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है आज का लुक वो मैंने इसी के साथ क्रिएट किया है। और ये क्लेम करते हैं कि वाटरप्रूफ इसके साथ जो मेकअप हुआ है मेरा वो मेकअप वाटरप्रूफ हुआ है। और मैं आपको आगे चलकर लाइव इस पर डेमो टेस्ट दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने मेकअप को इसके साथ यूज़ करके और अपने मेकअप को कैसे मैंने पानी के साथ वॉश आउट किया है, लेकिन फिर भी मेरा मेकअप इधर से उधर बिल्कुल नहीं हिला, बहुत अच्छा एकदम वाटरप्रूफ मेकअप हुआ है। ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मेलियो का फेस प्राइमर, पोर फिलर है ये, बहुत अच्छा फेस प्राइमर है। इसको मैंने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और थोड़ा सा मैं अपनी नेक पर भी इसको लगा लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है ओलिविया पैनकेक, मेरा शेड है 23। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग दूसरा शेड चूज़ कर सकते हो गाइज। मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस के ऊपर डैप डैप करके अच्छे से लगा लिया है। इसको पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ भी एक स्पंज आया था, बट मैंने वो यूज़ नहीं किया, वो थोड़ा ओके ओके क्वालिटी है, तो मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक पर लगाना चाहिए गाइज, क्योंकि नेक और फेस तभी हमारा इक्वल लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का फेस पाउडर, इसको मैं ब्रश की हेल्प से लगाऊँगी फोरहेड पर, पूरे फेस पर इसको अच्छे से मैं लगा लूँगी। ज़्यादा नहीं इसकी क्वांटिटी लूँगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर इसको अच्छे से पूरे फेस के ऊपर लगा लेंगे, ताकि हमारा जो पैनकेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने आईब्रो पैलेट लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का, इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। लाइट ब्राउन शेड मैंने इसमें से अप्लाई किया है, और दोनों आईज़ के ऊपर गाइज इसको हम अप्लाई कर लेंगे अच्छे से अपनी आईब्रोज़ के ऊपर। बहुत अच्छा पैलेट है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसको अप्लाई कर लिया, और दोनों आईज़ के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने हिलारे हुडा का आई पैलेट लिया है, इसमें से मैं न्यूड शेड लेकर कट क्रीज पर लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बहुत हल्का सा ही मेरे को कलर चाहिए न्यूड। उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से पिंक कलर लिया है, और अपने आईलेट के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूंगी। दोनों साइड इसको मैं अप्लाई कर लूंगी। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे गाइज। ये मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, और मैंने इसमें से ब्लू कलर लिया है, और मैं अपनी आईज़ के आउट ऑफ कॉर्नर पर इसको अप्लाई करूँगी।
गाइज़ मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, आपने भर के प्रोडक्ट एक बार में नहीं लगाना, वो एकदम पाउडरी टाइप लगता है। अगर आप थोड़ा प्रोडक्ट लोगे, उसको धीरे धीरे ब्लेंड करोगे, तो आपका जो आई शेडो है ना गाइज़, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वाला लगेगा और बहुत उसका अच्छे से कलर निकल के आएगा। बिल्कुल आपका मेकअप जो है नेचुरल लगेगा और HD मेकअप लगेगा आपका। दोनों साइड में इसको अच्छे से लगा लूँगी। और ये मैंने मास्क का ग्लिटर पैलेट लिया है और मैं इसमें से पिंक शेड लेकर अपनी पिंक कलर के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी, जहाँ पर मैंने पिंक कलर लगाया है मैट। इसको थोड़ा थोड़ा लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, ब्रश की हेल्प से लगाऊँगी मैं इसको। आप फिंगर की हेल्प से भी इसको लगा सकते हो। और गाइज मैंने ये स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया है और इसमें से मैं ब्लू कलर लेकर अपनी लोअर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ आउट ऑफ साइड। थोड़ा थोड़ा लगाऊँगी मैं। और हिलारी हुडा का पैलेट लेकर मैं पिंक शेड लूँगी, जो मैंने अपनी आईज़ के ऊपर वाली साइड पर लगाया है, उसी को मैं नीचे वाटर लोअर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। और स्विस ब्यूटी के पैलेट में से मैंने ये सिल्वर कलर का आई शेडो लिया है, इसको मैं अपनी आईज़ के थोड़े से कॉर्नर पर लगा लूँगी, आईब्रोज़ के नीचे भी लगाऊँगी, मेरी आईब्रोज़ की शेप ताकि अच्छी लगे। गाइज़ उसके बाद मैंने फेसेस का काजल लिया है, वाटर प्रूफ काजल है ये, मैं इसको अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। दूसरी साइड भी इसको अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद मैंने ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर लिया है, लाइट पिंक और पीच कलर दोनों को मैंने मिक्स करके अपनी चिक्स के ऊपर लगाया है। उसके बाद गाइज ये मैंने लिया है मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर, बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं ये फ़ैन ब्रश लेके इसको अपने चिक्स के ऊपर अप्लाई कर लूँगी और थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा मैं ये लिप्स के ऊपर लगाऊँगी इसको। और इसको गाइज थोड़ा सा अपनी चिन के ऊपर भी मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने ये ली है मेबलिन की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक है ये, मैट फिनिश है इसका और न्यूड शेड है गाइज, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, बहुत अच्छा कलर है इसका ब्राउन कलर। इसको अपने लिप्स के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने न्यूड लिपस्टिक गाइज इसलिए लिया है, मेरा मेकअप ऑलरेडी, मेरा आईज़ मेकअप जो है वो थोड़ा डार्क है, तो अगर मैं डार्क लिपस्टिक लूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने न्यूड शेड लिया है। इसके साथ ये बहुत परफेक्ट जा रहा है, आप देख ही सकते हो मेरा मेकअप तैयार है बिल्कुल। और अब आपको मैं दिखाने वाली हूँ लाइव टेस्ट। ये देखिए मैंने मेकअप कर लिया है और मैं इस मेकअप को सिंपल पानी के साथ कैसे वॉश आउट कर रही हूँ, और मेरा मेकअप गाइज बिल्कुल नहीं हिला कहीं से भी, इधर से उधर बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख ही सकते हो कि मैं कैसे अपने पानी के साथ इसको वॉश आउट कर रही हूँ, देखिए मैं कितने अच्छे से वॉश कर रही हूँ, कितना ग्लो कर रहा है मेरा पूरा फेस, ये देखिए बिल्कुल मेरा मेकअप इधर से उधर बिल्कुल नहीं हुआ और इतना अच्छा मेरा बेस बना था। गाइज मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी मैं इसको रिमूव करूँगी, बट स्टिल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इतना परफेक्ट लुक निकल कर आया इसके साथ। गाइज आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइज आपने देख ही लिया है कि मैंने कैसे अपने मेकअप को पानी के साथ वॉश आउट किया है और फिर भी मेरा मेकअप इधर से उधर बिल्कुल नहीं हिला और बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। पर्सनली मैं अब यही यूज़ करने वाली हूँ और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप डोंट वरी होकर इसको ख़रीद सकते हो, क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इसमें बहुत सारे जो शेड हैं वो अवेलेबल हैं, और मैंने इन सब प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप अपने लिए बाय करना चाहते हो तो क्लिक करके वहाँ पर बाय कर सकते हो। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं मेकअप की या कोई और आपको ठीक लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके बताए हुए टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप कोई मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।